हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट एफ जी पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे असम ग्रामीण विकास बैंक की सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, असम ग्रामीण विकास बैंक की अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, जिसको आप सेविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, करेंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट इंटरसेंट आरडी अकाउंट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। पर हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट के तौर पे इसको फिल करके देखेंगे कि हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको सेविंग जो है इस पर आप टिक कर दीजिएगा कि हम सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं। जिस ब्रांच में आप अकाउंट खोलना चाह रहे हैं उस ब्रांच का यहाँ पे नाम लिख देंगे तो हम मान के चलेंगे हम गुवाहाटी ब्रांच में अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ कस्टमर टाइप पूछा जा रहा है, आप क्या है, जनरल पब्लिक है, स्टाफ है, सीनियर सिटीजन है, माइनर है, फिजिकली चैलेंज्ड है। हमने यहाँ पर जनरल पब्लिक मान के चला है। फिर आपको यहाँ फर्स्ट बॉक्स में आपका नाम लिखना है, प्रीफिक्स लिख देना है, जैसे मिस्टर है तो मिस्टर लिख देना है, मिसेस, मिस, मास्टर, जैसे भी। और आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, एक बॉक्स में एक ही लेटर लिखना है और कैपिटल में लिखना है। तो मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया मुकेश, और दो नाम के बीच में एक आपको स्पेस छोड़ना है, तो एक स्पेस छोड़कर हमने अपना दूसरा नाम लास्ट वर्ड लिख दिया, मुकेश कुमार। ये सेकेंड और थर्ड एप्लीकेंट अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है, हम यहाँ सिंगल अकाउंट खोल रहे हैं। फिर पूछा जा रहा है कि एनी ऑफ दी एप्लीकेंट्स आर एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर, प्लीज मेंटेन द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर मान लीजिए आपने आपकी सेविंग अकाउंट पहले से, अभी आप करेंट अकाउंट खोलने जा रहे हैं या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये आपको देना होगा। पर न्यू अकाउंट में ये एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये आपको छोड़ देना है। थर्ड में पूछा जा रहा है पेन नंबर या फॉर्म 60 या 61। अगर आपके पास पेन नंबर है तो आप अपना यहाँ पेन नंबर लिख देंगे, जैसे मैंने अपना पेन नंबर लिख दिया AAA1234 है। अगर पेन नंबर नहीं है तो आपको फॉर्म 60 या फॉर्म 61 आपको फिल करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पेमेंट डिटेल पूछ रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट आप कितना दे रहे हैं, आप जो सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइम आप कितना रुपया जमा करेंगे। तो हमने लिखा है 1000 रुपया। और आप किस मोड में जमा करना चाह रहे हैं, कैश मोड में, चेक मोड में, ट्रांसफर मोड में, तो हमने कैश मोड में टिक किया, आप भी कैश मोड में टिक कर लेना अगर आप कैश मोड में देना चाहते हो। फिर ये पीरियड ऑफ टर्म डिपॉजिट, अगर आप फिक्स डिपॉजिट या आरडी खोल रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेबल है, या फिर आप कितनी अमाउंट है आरडी की मंथली इंस्टॉलमेंट वो वहाँ पे लिखनी है। तो सेविंग अकाउंट में ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको कट कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है आप जो सेविंग अकाउंट खोल रहे हो उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, चेकबुक चाहिए, अगर चाहिए तो यस, डेबिट कार्ड, ATM उसके लिए भी यस कर दीजिए, SMS, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब अगर आपको जो जो फैसिलिटी चाहिए आप उसमें टिक कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल देने को बोला जा रहा है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर है तो, इन ब्लॉक लेटर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ये रिन्यूअल एंड इंस्ट्रक्शन FD के लिए है, फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो सेविंग अकाउंट में इसको आप कुछ नहीं करना है। ये भी फिर FD और RD के लिए, तो इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। और ये भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन RD के लिए है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन, वहाँ पे आप जो अकाउंट होल्डर पहले से हैं उस बैंक में उनके द्वारा आपको अपना एक इंट्रोडक्शन दिलवाना है। तो हमने ये मान के चला है कि कोई सुरेश कुमार विश्वास है जिनके अकाउंट नंबर ये है या कस्टमर आईडी कुछ भी हो, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मुकेश कुमार को, तो लिखेंगे कि आई एम नॉन मुकेश कुमार फॉर, वो जितने साल महीने या दिन से जान रहे हो यहाँ लिखेंगे। फिर सुरेश कुमार अपना नाम, अकाउंट नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे और यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक है। फिर यह डिक्लेरेशन है, जो अकाउंट खोल रहे हैं यानी मुकेश कुमार, उनको यहाँ पर साइन करना है इस बॉक्स में, ठीक है। फिर ये पूछा जा रहा है आप जो ATM अप्लाई किए हो उस पर आप कौन सा नाम इम्बोस करवाना चाहते हो, प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप अपना पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फर्स्ट नाम या लास्ट नाम, जो भी आप देना चाहते हैं, पर निक नाम आप नहीं ले सकते। तो मैं अपना पूरा नाम इम्बोस करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया मुकेश कुमार, ठीक है। फिर यह पूछा जा रहा है अकाउंट ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, ये सिंगल अकाउंट है तो जाहिर सी बात है सिंगल ही इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, तो आप यहाँ सिंगल पर टिक कर देना। ये आइदर सर्वाइवर, anyone, या जॉइंटली, ये सब जॉइंट अकाउंट के लिए होता है। फिर आप अपना यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे अपना एक स्पेसिमेन सिग्नेचर साइन करेंगे, ये सिग्नेचर आपकी सिस्टम में अपलोड होगी, जो आपको पेमेंट लेते समय आपको करनी है चेक पे या कैश विड्रॉल पे। फिर ये ऑफिस यूज के लिए, इस पर आपको कुछ नहीं करना। अब हम आ जाते हैं DA-1 फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म, आप नॉमिनी दर्ज करवाना चाहते हैं, नॉमिनी देना चाहते हैं तो रिक्वायर्ड में यस कीजिएगा, नहीं देना चाहते हैं तो नॉट रिक्वायर्ड में टिक कीजिएगा। हम यहाँ देना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पर टिक किया है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, आप असम ग्रामीण विकास बैंक के इस ब्रांच में आप अकाउंट खोल रहे हैं तो उस ब्रांच के यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, हमने गुवाहाटी मान के चला है। अब आप जिसको नॉमिनी देना चाहते हैं उनका यहाँ पर नाम लिखिएगा, जो तो मैंने नॉमिनी बनाया सीता देवी, उनका पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा, हमने गुवाहाटी लिखकर डाला है। आपके साथ क्या रिलेशन है, मदर, जैसे वो हमारी माँ है, और उनकी एज लिख दीजिएगा, ठीक है। लास्ट जो कॉलम है, इफ माइनर इज, इफ नॉमिनी इज माइनर, अगर नॉमिनी आप किसी ऐसे शख्स को बना रहे हैं जो आज के डेट में माइनर है 18 साल से कम है, तो उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है
और अगर आप किसी नॉमिनी को माइनर दे रहे हैं तो इस यहाँ पे आपको एक गार्जियन को अपॉइंट करना है थर्ड पार्टी को, पर इस केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसको आप टिक कर दीजिए। यहाँ पे आप अपना साइन कीजिएगा एंड नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ड्यू विटनेस। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ड्यू विटनेस उसी केस में लगता है जब अकाउंट होल्डर साइन ना करते हो और थंब इम्प्रेशन देते हो। अगर आप यहाँ पे साइन ना करके थंब इम्प्रेशन अंगूठा लगाते हैं तो आपको यहाँ विटनेस की ज़रूरत है, अदरवाइज विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये बैंक यूज के लिए, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है तो इसको आपको छोड़ देना है, ये यहाँ तक बैंक यूज के लिए। और यहाँ पे आपको KYC फॉर्म भरना है, सेंटर KYC रजिस्ट्री फॉर्म जो अभी अपलोड होती है, तो इसको कैसे भरना है देखिए, फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पे यहाँ ऑफिस यूज के लिए, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ से आपको अपना भरना है, फिर से नाम लिखना है प्रीफिक्स मिस्टर, मेडन नाम लिखना है, मेडन मीन फर्स्ट नाम, मुकेश और लास्ट नाम यहाँ कुमार, मैंने लिखना भूल गया सॉरी, आप लिख दीजिएगा। फिर आपको अपने फादर्स नाम लिखने हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया सुरेश विश्व, ये यहाँ पे आ गया है, कॉलम थोड़ा इधर उधर हो गया सॉरी, मुकेश, हाँ सॉरी आप सही हो गया, मुकेश कुमार, और फादर का नाम सुरेश कुमार, मदर का नाम पूछा जा रहा है, मदर का नाम पूछा जा रहा है सीता देवी, डेट ऑफ बर्थ देखिए हमने यहाँ पे लिखा था 22/7/1997, ये भी थोड़ा इधर उधर हो गया है एडिट करने में, हमने इस PDF फॉर्म को वर्ड में कन्वर्ट किया इसलिए थोड़ी इसकी फॉर्मेट चेंज हो गई है। फिर जेंडर में आप मेल में टिक कर देंगे, अगर मेल है तो मार्शल्स में, राइटर्स स्टेटस में अगर आप मैरिड हेड हो मैरिड मैन, मैरिड हेड हो अनमैरिड मैन, सिटीजनशिप में इंडियन, जाहिर सी बात है तो इंडियन, अदर्स अगर दूसरे कंट्री के हैं तो वहाँ पर लिखना है और उस कंट्री का कोड लिखना है। रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंशियल इंडिविजुअली लिखना है, अगर आप NRI हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो आप अपने हिसाब से भरेंगे, अपन या जनरली रेसिडेंस इंडियन ही मान के चलते हैं। आपको पेशन टाइप आप क्या करते हैं, सर्विस में है, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सेम एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, अदर है, बिजनेस है, हाउस वाइफ है, रिटायर्ड है, स्टूडेंट है, हम ये मान के चलते हैं कि हम बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आप यहाँ टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए पॉइंट कॉलम नंबर 2 उन्हीं को भरना है जिनका रेसिडेंस फॉर टैक्स पर्पज इन रिडक्शन आउटसाइड ऑफ इंडिया है, जिनका आउटसाइड ऑफ इंडिया भी 100 अगर यहाँ पे आपने भरा था NRO यहाँ पे या फॉरेन नेशनल, तो आपको ये 2 नंबर कॉलम भरना है, अदरवाइज इसको आपको छोड़ देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या दे रहे हैं, देखिए आप कोई भी एक दे सकते हैं, सर्टिफाइड को भी, सेल्फ अटेस्टेड को भी, हमने यहाँ पेन कार्ड दिया है तो पेन कार्ड नंबर लिख दिया, आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, आधार भी दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस में कोई भी है तो हम यहाँ पे आधार कार्ड दे रहे हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में, आधार कार्ड, फिर आपको अपना यहाँ आधार कार्ड का नंबर लिख देना है, फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है तो हमने लिख दिया MG रोड लैंड नंबर 4 गोमती नगर गुवाहाटी पिन कोड, फिर यहाँ पे सिटी गुवाहाटी, स्टेट कोड AS असम का AS, वैसे आपको फॉर्म के नीचे सारे इंडियन स्टेट के कोड दिए होंगे आप देख सकते हैं, फिर ISO कोड यानी इंडिया का ISO कोड क्या है, IN है तो IN लिखना है, और जो फॉरेन नेशनल है जिनकी जिनकी फॉरेन में भी एड्रेस है NRO है उनको ये 2 भरनी, ये स्टेट कोड भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कॉरेस्पॉन्डेंट्स एड्रेस और लोकल एड्रेस, हमने जो भरा था यहाँ पे वो था आपका करेंट और परमानेंट एड्रेस, तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स या लोकल एड्रेस कोई अलग है तो आप भरेंगे, यहाँ पे एक कॉलम है सेम एज करेंट और परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है ऊपर और नीचे वाला तो आप इसमें टिक कर देंगे, यहाँ फिर से भरने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही है कि अगर आपने 2 नंबर टिक किया था कि जो रिडक्शन आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर NRI है तो अगर आप आउटसाइड इंडिया का अपना यहाँ एड्रेस भरेंगे, अगर ये एप्लीकेबल नहीं है 2 नंबर में, अगर आपने टिक नहीं किया तो इसको भी आप टिक नहीं करेंगे, ये भी आपके लिए नॉन एप्लीकेबल हो जाएगा, छोड़ देंगे। फिर आप अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल्स फॉर डायरेक्टेड पर्सन, ये भी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये कोर्ट से ऑर्डर आते हैं उनके लिए होते हैं, या फिर आप किसी माइनर के गार्जियन है या SINE है या फिर आप पावर ऑफ अटोर्नी आपको मिला है उस केस में आपको ये भरना है, तो 6 नंबर केस मसलन सबके लिए अप्लीकेबल नहीं होता तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। फिर 8 नंबर में है कि आप डिक्लेरेशन देंगे, आप यहाँ अपना डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, आप अपना यहाँ पर साइन करेंगे, और ये जो 9 नंबर है ये ऑफिस यूज के लिए है तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ये आपको और नीचे चलेंगे तो ये आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरना है, कस्टमर टाइप, ये आपको कस्टमर टाइप अपना जनरल लिख देंगे, कस्टमर है, ऑक्यूपेशन बिजनेस लिख देंगे, कम्युनिटी में आप हिंदू लिख देंगे, OBC वगैरह, आपकी एनुअल इनकम कितनी है उसके आधार पर मान लीजिए 1,00,000 से 5,00,000 के बीच है आप इस पर टिक कर देंगे। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जैसे मेरे केस में बिजनेस है तो हमने बिजनेस भरा है, आपकी नेटवर्थ मैंने आपके आज के डेट में आपकी कुल एसेट कितनी है तो मेरी 10,00,000 से कम है तो हमने 10,00,000 कर दिया। सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, सेल्फ एक्वायर्ड है, इनहेरिटेड है, गिफ्टेड है, अदर है, मान लीजिए आपके पास मकान है आपने उसको नेटवर्क में शोर किया है तो क्या आपने सेल्फ एक्वायर्ड किया है या इनहेरिटेड है या गिफ्टेड है, तो इनहेरिटेड है वो फैमिली से मिला हुआ है,
कर देंगे, फिर आप अपना यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देंगे, जैसे मेरे केस में ग्रेजुएट है तो हमने ग्रेजुएट लिखा है, इनकम टैक्स किया आपने पेड किया है लास्ट दो साल में तो हमने नहीं किया, तो हमने यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल, मेरे केस में अप्लीकेबल भी नहीं है तो इसको हमने छोड़ दिया। फिर ये करेंट अकाउंट जो खोल रहे उनके लिए है, ये तो एनुअल टर्नओवर और एस्टिमेटेड टर्नओवर, तो इसको आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे ये जो करंट अकाउंट के लिए है, यहाँ डिक्लेरेशन दे रहे कि हमारे पास हमारी कोई भी बोरोवर अकाउंट नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे जो गाइडलाइंस है, जो हमने बोला था, यहाँ सारे स्टेट की कोड है, यहाँ सारे कंट्री की कोड है, आपको देख के भर देना है। आसाम के लिए, आसाम के लिए हमने देखा था कि AS होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल फॉर्म थी आसाम ग्रामीण बैंक की, तो उम्मीद है ये फॉर्म आपको जो फिलअप करने की प्रोसेस हमने बताया वो पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक से ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।